हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में टाइम टू टाइम काफ़ी बढ़िया लैपटॉप्स, अल्ट्राबुक्स और नोटबुक्स आते जा रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स। फ्रेंड्स, पर बात करते हैं पुराने लैपटॉप्स के बारे में। तो कई लोगों के पास पुराने लैपटॉप्स भी हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि क्या हम उसका ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं, क्या हम एक ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं लैपटॉप के अंदर, या उसकी रैम अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप उसकी बैटरी अपग्रेड कर सकते हैं। तो पता करते हैं, इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप कंप्यूटर में, आप अपने लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपग्रेड करने वाली चीज़ें हैं वो होंगी आपकी हार्ड डिस्क, रैम, आप अपना ब्लूटूथ अडेप्टर चेंज कर सकते हैं और अपनी बैटरी चेंज कर सकते हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गई है तो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपकी हार्ड डिस्क के बारे में। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़िया सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गई हैं जो मैकेनिकल ड्राइव से 15x फास्टर होती हैं, और भी कहीं बेटर पीसीआई एक्सप्रेस जो हमारे सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं वो आ गई हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप जानना चाहें एसएसडी और जो हार्ड डिस्क है उसमें परफॉर्मेंस का कितना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जब आप अपने सॉलिड स्टेट ड्राइव को लैपटॉप में लगाएंगे तो आपकी जो बूटिंग टाइम है और आपकी जो एप्लीकेशंस है वो ज़्यादा फास्टली आपको परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। तो इससे ये एक आपका अपग्रेड हो गया मैकेनिकल से सॉलिड स्टेट ड्राइव में। नेक्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ दोस्तों मैं आपकी रैम के बारे में। तो रैम वाले पार्ट में थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है। रैम में क्या है, आपको लैपटॉप में अगर अपने रैम अपग्रेड करनी है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रैम है यानी जो पहले से रैम है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, लेटेंसी टाइमिंग क्या है और वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। और आपको वही सेम स्टिक, अगर आप पहले से 4GB की रैम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक और नई अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप देखिए वो जो सेम 4GB की स्टिक हो वो उसी मैन्युफैक्चरर की हो, 2133 MHz या 16 MHz जितनी भी पुरानी वाली है सेम से मैच करिए, उसे परचेस करिए और वही वाली रैम लगाइए। अगर आप मिसमैच कर देंगे तो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन सही से चलेगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ में। और अगर आपको नहीं पता चलता है कि आपकी रैम की फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइमिंग क्या है, तो आप क्या करिए, आप उस 4GB वाली स्टिक को निकाल लीजिए और यूज़ मत करिए, मार्केट में कहीं सेल कर दीजिए और उसकी जगह पर आप एक ब्रांड न्यू 8GB की फ्रिक्वेंसी वाली रैम खरीद सकते हैं। पर यह भी आपको देखना है कि आपका जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है वो हाईएस्ट कितनी फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है, जो प्रोसेसर होता है वो 1600 2133 MHz कितनी फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है। अगर आप ज़्यादा की लेंगे और जो प्रोसेसर है वो 1600 तक ही सपोर्ट करता है तो उतना प्राइस जो फालतू आप वेस्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप मैक्सिमम देखिए, आप 1600 MHz की रैम खरीदिए, 8GB की स्टिक, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करते हैं ब्लूटूथ अडेप्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पुराना ब्लूटूथ है वो थोड़ा ब्लूटूथ अडेप्टर जो वाईफाई वाला कार्ड है जिससे आप लैपटॉप में जो अपने डाटा ट्रांसफर करते हैं और वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं वो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। इंटेल के काफ़ी अच्छा अमेजोन की साइट पर आपको ये अडेप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और ये ईजिली अपग्रेड हो जाता है। सिर्फ 2 पिन आपको निकालने होंगी और आप इसे न्यूली वहाँ पर लगा सकते हैं। एडवांस बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में। तो कई टाइम ऐसा होता है, अब हम लैपटॉप यूज़ करते रहते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है और जो हमारा बैटरी बैकअप है वो कम हो जाता है क्योंकि हम उसका काफ़ी हैवी यूज़ करते हैं या फिर आफ्टर ए टाइम पीरियड तो हो ही जाता है बैटरी का यूज़ करा। तो आप बैटरी अपग्रेड कर सकते हैं, ऑफिशियल जो भी आपका लैपटॉप है जिस मैन्युफैक्चरर का है उसकी वेबसाइट पर जाके आप उसकी ऑफिशियल बैटरी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अपने लोकल मार्केट से भी आप एक बेटर जो वेंडर है आपका उससे परचेज कर सकते हैं बैटरी। तो एट लास्ट बात करते हैं दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लैपटॉप्स के अंदर जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो है मैन्युफैक्चरर ने जो लैपटॉप बनाया है वो फिक्स कर रखा था उसके अंदर हीट सिंक जो है। और कई लैपटॉप ऐसे होते हैं दोस्तों, आप में से कहीं बोलेंगे हाँ हो सकता है अपग्रेड, तो हाँ कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें हो जाता है, बट पर्टिकुलरली उनमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो सॉकेट है मदरबोर्ड के ऊपर उसी का सेम प्रोसेसर आपको परचेज करना पड़ेगा, उसका हाई एंड वाला सेम सॉकेट का, तभी उस पर वो सेट हो पाएगा, नहीं तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते। बट मैक्सिमम लैपटॉप्स में अपग्रेड इम्पॉसिबल होता है प्रोसेसर का। नेक्स्ट ऑल बात करते हैं स्क्रीन भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और एट लास्ट बात करता हूँ जिसका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर। हाँ, इसका जवाब है कि आप लैपटॉप में जो है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एक टिपिकल सा ना बहुत प्रोसीजर है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल छोटा सा केस बनाना पड़ेगा, उस केस के अंदर आपको एक पावर सप्लाई खरीदनी पड़ेगी अलग से, एक पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट खरीदना पड़ेगा और उस स्लॉट में आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो लैपटॉप है वो थंडरबोल्ट पोर्ट सपोर्ट करता है या नहीं, या फिर यूएसबी टाइप सी कनेक्टर इस्तेमाल करता है, क्योंकि यही हाई परफॉर्मेंस पोर्ट्स हैं जो सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड को क्या कहते हैं उसकी जो
ग्राफिक्स है उनको भेज सकता है लैपटॉप्स में। तो फ्रेंड्स उससे फिर आप ये जो वायर है कनेक्ट करेंगे लैपटॉप को, फिर आप एक्सटर्नली उस ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस अपने लैपटॉप पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने लैपटॉप को खोलेंगे और उसके अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड लाएंगे ब्रांड न्यू और चेंज कर लेंगे। हालांकि जिन लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड्स पहले से ही होते हैं डेडिकेटेड, उनको भी चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो लैपटॉप फिक्स होते हैं, उसके ऊपर हीट सिंक्स लगी होती है और वो प्रोसेसर के साथ लिंक्ड होते हैं, तो उन्हें चेंज करना इम्पॉसिबल है। बाकी जो ये एक्सटर्नल वाला तरीका है दोस्तों, ये इतना कारगर नहीं है इस वक्त इंडिया में, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इतना ज़्यादा झमेला रखेंगे अलग से एक लैपटॉप के लिए वो परफॉर्मेंस गेन करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ आप ऐसा करिए, तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, आप ऐसा करिए आप अपना ओल्ड लैपटॉप है ना OLX या फिर बेटर साइट्स पे आप सोल्ड कर दीजिए उसे, और उसके बाद आप क्या करिए एक नया लैपटॉप परचेज कर लीजिए जिसमें थोड़ा सा और पैसा इन्वेस्ट करके जिसमें बेटर आपको ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के जो है परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको जो है सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।